तो हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक न्यू चाइनीज ड्रामा के बारे में जो कि आपको देखने को मिलेगा अमेज़न मिनीटू पे हिंदी डबिंग के साथ में, जिसका नाम है ब्रेकिंग डाउन। बात करें ये ड्रामा का, इस 2019 में आया था जो कि आपको इंग्लिश सबटाइटल में आपने देखा होगा। और ये ड्रामा का आपको टोटल 24 एपिसोड इसमें देखने को मिलते हैं। अरे गाइस, हिंदी डबिंग के साथ में आपको अवेलेबल हो चुकी है अमेज़न मिनीटू पे। बात करें इसके ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स के लेंथ से देखने को मिलता है। और इसका अगर मैं कास्ट की बात करूँ तो कास्ट आपको इसमें देखने मिलती है गाओ ग्यान, जेंग चेन और गी क्यून की। इन दोनों की ऐसी स्टोरी देती है, जो पहले मैं दो लोगों की स्टोरी बता देता हूँ जो कि गांव में ही रहता है। इसमें आपको जो देखने की वजह, जो मेन लीड रोल रहता है इसमें, जो पहले के समय में बहुत बड़ा डिटेक्टिव रहता है जो कि अंडर कवर ऑपरेशन करते रहता है, जो कि वहाँ पे पाउडर का स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होता है। और बोलते कि पॉइजन किंग नाम से बहुत बड़ा एक गैंगस्टर रहता है, और उसी को पता लगाने के लिए अंडर कवर ऑफिसर बन के और वहाँ पर जाकर पता लगाते रहता है। और उसी चक्कर में एक दिन इसके बड़े सीनियर का मर्डर हो जाता है, और तब से ही अपना जॉब छोड़ के, मतलब कि अपना पुलिस ऑफिसर छोड़ के बैठ जाता है। और उसके पीछे भी कुछ कारण रहता है, क्यों बैठता है क्यों नहीं बैठता है, ये आपको सीरीज में जानने के लिए देखना पड़ता है। और आगे एक और एक कैरेक्टर रहता है आपको देखने मिलता है, जेंग चेन, जो कि कुछ समय बाद जब गाओ ग्यान जब पुलिस ऑफिसर छोड़ जाता है, जब जेंग चेन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है कि मैं पॉइजन किंग को पकड़वा के दम लूंगा, तभी जो गाओ ग्यान और जेंग चेन अपने साथ में आते हैं और उन लोग ठान लेते हैं कि कैसे भी उसको, मतलब कि आप पॉइजन किंग को पकड़ के रहना है, क्योंकि पॉइजन किंग रहता है गाओ ग्यान को मतलब जीना दुश्वार कर देता है अपना। वहीं पे हल्का फुल्का आपको थोड़ा रोमांस देखने को मिलता है। मैं चाहता था थोड़ा और भी रोमांस होता था ना गाइस, ये ड्रामा और भी अच्छा आपको लग सकता था। इसमें आपको एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि गी क्यून, जो कि यही सबसे बड़ा मतलब इसमें विलन रहता है, जो कि ये एक मतलब कि पॉइजन किंग यही रहता है गी क्यून, और किसी को मालूम नहीं रहता। और छोटे से मतलब कि एक स्कूल बैग लेके और किसी को घर में घुस जाता था, और किसी को नहीं मालूम रहता कि गी क्यून है, और अपना भोला सा शकल लेके कहीं भी वो हंसने लगता है। और अभी तक पुलिस ऑफिसर किसी को नहीं मालूम रहता कि पॉइजन किंग कौन है। तो इसी आप सबको सीरीज में जानने के लिए देखना पड़ता है कि पॉइजन किंग कैसे पकड़ाता है, और गांव के उनको क्या ऐसा मजबूरी रहता है कि अपना पुलिस ऑफिसर का बैच छोड़ना पड़ता है, और जेंग चेन की क्या आपकी स्टोरी रहती है। आपको आगे सब जानने के लिए ये आपको सीरीज देखना पड़ता है अमेज़न मिनीटू पे, 24 एपिसोड के साथ में आपको गाइस देखने को मिलता है। अगर मैं पूरा ओवरऑल देख के अगर मैं इसका रेटिंग देना चाहूँ तो मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ मूवी ड्रामा देख के, क्योंकि एक चाइनीज ड्रामा है। चाइनीज ड्रामा स्पेशली वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस इतना मेरे को एंटरटेन नहीं कर पाई ये ड्रामा। लेकिन जिसको एक्शन और मिस्ट्री और थ्रिलर पसंद, तो इसके लिए ड्रामा हल्का फुल्का अच्छी लग सकती है। लेकिन आपको एक्शन और थ्रिलर इतना भी नहीं दिखाएगा कि हमारा हीरो है इतना पीटते रह जाए, ये बहुत बेकार लगता है किसी को भी देखने में। वो कोई भी चाहता है कि हमारा हीरो कुछ ना कुछ मारता रहे, उसका कुछ एक आइडेंटिफाइड है उस सीरीज में। जहाँ की गाँव क्या रहता है इसमें, मतलब कि जो मेन कैरेक्टर रहता है वो हर किसी से मार खा के चले जाता है, यही तो पब्लिक को नहीं पसंद आता है कि हमारा जो हीरो रहता है हमेशा वो मार खाता रहे। तो आपको अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो 6 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10 में से। आई नो कि मैं 6 दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, लेकिन इसका रेटिंग अच्छा खासा आपको देखने मिलता है बीकी टीवी पे और माई ड्रामा लिस्ट पे, आपको जाकर देख सकते हो। ये ड्रामा आपको अच्छी लगा तो ऑल द बेस्ट, नहीं तो आप जाके आराम से पहला एक दो एपिसोड आप देखिए कि आपको कैसा लग सकता है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा कुछ सोच के जा रहा हूँ, मैं कुछ अमेज़न मिनीटू पे बैंडेज का कुछ नया आता है, मैं जाकर कुछ नया देख के आऊँ, न कि एनकाउंटर का जो आपको रिसेंटली इतना अच्छा अच्छा ड्रामा गया है। लेकिन इस आज के इस ड्रामे में इतना अच्छा मेरे को नहीं लगा ये ड्रामा, वो मैं काइंडली इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, इतना अच्छा नहीं लगा। और आपको मैं जैसे सीरीज कर रहा हूँ रिव्यू, आपको उतना अच्छा लगा जाके आप देख सकते हो। आई होप सो गाइस आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा, तो रिव्यू अगर अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा अच्छा रिव्यू आने वाला गाइस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे अपडेट मिलता रहेगा हमेशा।